रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। छठ पूजा हुई और उसके बाद ठीक हो जाएगा बाजार। अभी कुछ लोग गाग लेने वाले भी बिहार चले गए, कुछ थोड़ी नॉर्मल ही कमी चल रही है। दिवाली पर लोग मिठाइयों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, लेकिन ये घिया और मीठा डाउन है। वीडियो को जल्दी देखने के लिए आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको वही जानकारी कम समय में मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो को बेहतर समझने के लिए आप वीडियो की शुरुआत में सब टाइटल ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको रेट समझने में बेहतर जानकारी मिलेगी। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, आज दिन है वीरवार और तारीख 31 अक्टूबर 2024। भाइयों, आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं। हमारी मेहनत की सफलता इसी में है, आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले जानेंगे फलों का बाजार भाव और जानकारी लेंगे आरती भाई श्री जितेंद्र मलिक जी से। बाबू जी नमस्कार। जी नमस्कार, दिवाली मुबारक हो बाबू जी। आपका भी दिवाली की शुभकामनाएं। बाबू जी, आज मंडी में ग्राहकी और माल की आवक कैसी रही जी? ग्राहकी थोड़ी नॉर्मल ही कमी चल रही है। दिवाली पर लोग मिठाइयों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, मिठाइयों की तरफ ज्यादा जोर है जी। हाँ, फ्रूट प्राइस नॉर्मल ही है, बहुत कम उठाव रहा है जी आज। हाँ, उठाव कम ही है। आज अमरूद का क्या बाजार चला बाबू जी? अमरूद का बाजार यही चल रहा है, ये 25 रुपए किलो से लेके 50 रुपए किलो, 25 से 50 रुपए तक। हाँ हाँ। और बाबू जी संतरा भी आया जी अपने पास? संतरे का रेट भी यही चल रहा है, 15 रुपए से लेगा, 14 रुपए से लेगा, ये 50-55 रुपए तक। 50-55 तक जी। छोटा साइज जो है वो छोटा जो जूस के लायक है 14 रुपए है, फिर 25 है, अलग अलग साइज पर डिपेंड करता है, साइज के हिसाब से है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज आपने फलों के बारे में जानकारी साझा की है। नाम नंबर और फर्म का नाम जी? मलिक फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 611। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। बकाया फलों के भाव इस प्रकार से हैं: नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 980 रुपए से 1000 रुपए, अनानास रानी 65 से 70 रुपए किलो, केला करेट 10 से 12 दर्जन 550 रुपए से 600 रुपए, पपीते का बाजार 45 से 50 रुपए किलो रहा है, अनार में इस तरह का माल 1500 से 1550 रुपए डब्बा, एक डब्बे में 10 किलो अनार होते हैं, तरबूज का बाजार 30 से 32 रुपए किलो रहा है और सिंघाड़ा 15 रुपए से 20 रुपए किलो के भाव से बिका है। सब्जियों के बाजार भाव की जानकारी लेंगे आरती भाई श्री भगत सिंह रावत जी से। बाबू जी नमस्कार। जी नमस्कार रमेश जी। नमस्कार, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं बाबू जी। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। बाबू जी, आज डबल मंडी का दिन है वीरवार, करनाल मंडी में आज सब्जियों का कैसा बाजार है जी, कैसा माहौल है? बाजार ठीक ठाक ही है, माल शॉर्ट है थोड़ा आज और ग्राहक भी कम है। ग्राहक आज मंडी बिल्कुल जैसे सुनी लग रही है जी आज तो। बिल्कुल, आज लोग दिवाली की मिठाई और पटाखों की तरफ जोर कर रहे हैं, आज रिश्तेदारियों में घूम रहे सारे। अच्छा जी, आज तो बाहर की घुमाई हो रही है और मिठाइयों का ज्यादा जोर। हाँ, मिठाइयों में ज्यादा जोर है आज। बाबू जी अपने पास पत्ता गोभी आई है जी? पत्ता गोभी बिक रही है 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो जी। हापुड़ का माल? हापुड़ का जी, जयपुर की तोरी है, बिक रही है 8-10 रुपए। जयपुर की तोरी है जी, ये झींगा तोरी बाबू जी? झींगा तोरी बासी माल है। वाह जी वाह, ये क्या रेट चली बाबू जी आज? ये 10 रुपए, 8 रुपए, 8-10 रुपए किलो जी। लौकी का रेट भी यही है, और लौकी का रेट भी 8-10 ही आ गया जी। हाँ, आज बाजार ढीला है, आज बाजार काफी ढीला है जी। और इसके अलावा बाबू जी धनिया तेज है, धनिया बिका 40-45-50 तक, धनिया 40-45-50 तक बिक गया जी। गोभी तेज है, गोभी बिक रही है आपका 40 से लेके 65 रुपए तक, 40 से 65 रुपए तक गोभी बिक रही है। सवेरे मंदी बिकी है, अब तेज है गोभी, अब तेज है जी। और बाबू जी साग पालक का क्या कुछ बाजार चल रहा है? साग पालक का वही है 10 रुपए का बाजार, 10 रुपए का बाजार है जी। बैंगन भी 150 रुपए बिका आज, बैंगन 150 रुपए पन्नी जी, और सारे सौदे ठीक ठीक ही चल रहा है। आज पर ढीला है बाजार, और दिन मटर भी 100, 90, 100, 110 तक बिक रहा है। मटर 90, 100, 110 तक बिक गया जी। शिमला मिर्च में थोड़ा करंट आज, ये बाबू जी कई दिन तक चलेगा जी ये ढीलापन जी बाजार? आज से छठ पूजा तक चलेगा ढीला, छठ पूजा तक जी? हाँ, छठ पूजा हुई और उसके बाद ठीक हो जाएगा बाजार। अभी
कुछ लोग गाग लेने वाले भी बिहार चले गए, कोई इधर उधर रिश्तेदार। छठ पूजा तक तो मिठाइयां चलेंगी जी। हाँ, कभी भैया दूज आ गई कभी। बहुत बहुत धन्यवाद भाव जी, आज इस सब्जी के बारे में जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। नाम नंबर और फर्म का नाम जी। मेरा नाम भगत सिंह रावत है, फर्म हमारी रावत ट्रेडर, शॉप नंबर है 591, फोन नंबर है 94161-54142। धन्यवाद भाव जी। धन्यवाद साहब। कुछ अन्य सब्जियों के भाव इस प्रकार से देखे गए, टमाटर 800 रुपए से लेकर 1100 रुपए बढ़िया माल रहा है, टमाटर हाइब्रिड 800 रुपए से 1000 रुपए करें, शिमला मिर्च इस तरह का माल 40 से 42 रुपए किलो, हरी मिर्च ये माल 60 से 62 रुपए किलो और हरी मिर्च में ये माल 50 से 52 रुपए किलो, मेथी का बाजार 15 से 20 रुपए किलो रहा है, पुदीना आज 45 से 50 रुपए किलो बिका, नींबू में ये माल 35 रुपए से 40 रुपए किलो, खीरा पोली हाउस 30 से 32 रुपए किलो, तोरी का बाजार 20 रुपए से 30 रुपए किलो रहा, हरी बैंगनी 12 से 14 रुपए किलो और मूली का बाजार 10 रुपए से क्वालिटी के हिसाब से 20 रुपए किलो तक चला। कुछ अन्य सब्जियां रहती हैं जिनके बाजार भाव की जानकारी साझा करेंगे आरती भाई श्री अमनदीप सिंह जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, दिवाली मुबारक हो बाबू जी। सर सभी दर्शकों को हमारी तरफ से भाव जी, आज सब्जियों का कैसा बाजार रहा है जी, कैसा माहौल है? काफी चला, गोभी भी 50% उछाल देखा जा सकता है, लेकिन ये घिया और मीठा डाउन है। घिया का क्या बाजार रहा है भाव जी? घिया 6 रुपए किलो सर, 6-7 रुपए, 6-7 रुपए किलो। और ये पेठा जी? पेठा भी सर 10-11 रुपए किलो है। 10-11 रुपए किलो जी। इसके अलावा भाव जी अपने पास खीरा आया हुआ जी, आज 25 से 30 रुपए किलो जी। और इसके अलावा बाबू जी कौन कौन सी सब्जी आई जी अपने पास? सर खीरा आया था सर, गोभी थी। गोभी? हाँ जी जी सर। फूल गोभी का बाजार आज करंट में रहा जी? हाँ जी सर, सवेरे बिकी 50 से बिकी 60-65 बिक रही है सर, 60-65 तक बिकी है जी। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, सब्जियों के बारे में जानकारी दी आपने। नाम नंबर और फर्म का नाम? मेरा नाम अमनदीप है सर, फर्म का नंबर 566, मोबाइल नंबर 7206270091, फर्म का नाम है हेमंत फूड एजेंसी। धन्यवाद बाबू जी। ठीक है सर। मंडी में माल की आवक और ग्राहक की दोनों ही काफी कम देखने को मिली, ज्यादातर सब्जियों में गिरावट रही है। धनिये की आवक बढ़ने से बाद में बाजार काफी नीचे रहा, घिया तोरी साग पालक का उठाव काफी कम देखने को मिला है। भाइयों यह था आज करनाल मंडी में फल सब्जियों का बाजार भाव वीडियो भाग 2। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। सभी किसान व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों फल व सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके।